एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नागपुर रेलवे स्टेशन पर हादसा, मालगाड़ी से कटे युवक के पैर। दहेज प्रताड़ना में पति और ससुराल वालों पर केस दर्ज। दुर्घटना की दहलीज पर मेडिकल अस्पताल। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। मालगाड़ी से दोनों पैर कटने से एक 25 वर्षीय युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यह हादसा नागपुर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की रात करीब 9:25 पर हुआ। जख्मी युवक का नाम सुमित केड़ा, झारखंड निवासी है। मालगाड़ी की चपेट में आने से सुमित के दोनों पैर कट गए। शासकीय रेलवे पुलिस ने तुरंत ही उसे उपचार के लिए मेयो अस्पताल में भर्ती करवाया। शनिवार तक वह बेहोशी की हालत में था। इससे मालगाड़ी की चपेट में वह कैसे आया यह स्पष्ट नहीं हो सका। इस मामले की जाँच रेलवे पुलिस के हवालदार तेज राम वघारे कर रहे हैं। अगली खबर, हुड़केश्वर पुलिस ने नवविवाहिता की शिकायत पर प्रताड़ित करने के आरोप में उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। आरोपियों में बेसा दीवान लेआउट परिवर्तन चौक निवासी पति रुपेश गोमा से 20 नवंबर 2019 को विवाह हुआ था, लेकिन कुछ दिनों बाद से सास दीपा गोमा से ने दहेज के लिए परेशान करना शुरू किया। उसे देवर और ससुर भी गालियां देकर धमकाने लगे। घर वालों के कहने पर पति रुपेश भी मारपीट करने लगा। फरियादी महिला की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मारपीट, छेड़छाड़, दहेज प्रताड़ना के तहत मामला दर्ज किया है। अगली खबर, वर्तमान में मेडिकल में 20 मीट्रिक टन के 2 लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट और 3 पीएसए प्लांट है जो हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन के लीकेज होने का खतरा बना रहता है। अस्थि रोग विभाग वार्ड नंबर 1 के सामने छोटी ऑक्सीजन पाइपलाइन की मरम्मत का काम चल रहा था कि शनिवार की रात वहां से गुजर रही एक बड़ी ऑक्सीजन पाइपलाइन के फटने से हड़कंप मच गया। आग को रोकने के लिए तुरंत ऑक्सीजन बंद कर दी गई। इससे ऐसे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए थे। कुछ मरीजों को आईसीयू वार्ड 52 में स्थानांतरित कर लिया गया था। बताया जा रहा है कि इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। जानकारों के मुताबिक मेडिकल में ऑक्सीजन की कुछ पाइपलाइन काफी पुरानी है। नई पाइपलाइन नियोजनबद्ध तरीके से नहीं बिछाई गई है। कई कई हाई प्रेशर की बिजली के तारों की पाइपलाइन और ऑक्सीजन की पाइपलाइन खराब हो गई है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।